स्वास्थ्य कर्मियों को किए जाने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने भी नंबर आने पर शुक्रवार को जिला अस्पताल में अपना टीकाकरण कराया और पूरे दिन बड़े ही आराम से अपना काम निपटाया। इस संबंध में उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना नंबर आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा, अपना नाम सुनीता पटेल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल नंबर जो है दूसरे को मैं सुनीता पटेल उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। मैं भी टीकाकरण करवाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई टीकाकरण करवाने के दौरान और ना ही बाद में। किस तरह की और कोई सूचनाएं आपके पास आई हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत की समस्या आई है? इस तरह की कोई भी सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, चूँकि पूरे जनपद में टीकाकरण वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम में भी मैं हूँ। यहाँ भी कोई फोन कॉल्स नहीं आया कि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो। तो अफवाहें हैं कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो अफवाहें जो चल रही हैं उस पर क्या कहेंगे? व्हाट्सएप पे लोग मैसेज कर देते हैं कि इस वैक्सीनेशन से चक्कर आ रहा है, चाहे सर दर्द हो रहा है, चाहे मितली आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी मिजल्स रूबेला अभियान जब चल रहा था तो ऐसे भ्रामक मैसेज आते रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभियान को सफल बनाया। ऐसे ही कोविड वैक्सीनेशन अभियान को भी हम लोगों को सफल बनाना है। जिनका नाम है वैक्सीनेशन में पोर्टल पे आया, उनका ऐप पे, जो कोविड ऐप पे, उन लोगों से क्या कहेंगी जो टीका नहीं लगवाना चाह रहे? देखिए, इसमें टोटल काम कोविड वैक्सीनेशन का पोर्टल के हिसाब से हो रहा है और पोर्टल में जब जिसकी बारी आ रही है उनके मोबाइल पे मैसेज जा रहा है। मोबाइल पे मैसेज पहुंचते ही उनको जानकारी मिल जा रही है कि कहाँ किस बूथ पे उनका टीका लगना है। उनको चाहिए कि वो उस बूथ पे समय से पहुंच के टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण हमेशा एक सुरक्षा कवच का काम करता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम लोगों ने तो काफ़ी इस कोविड बीमारी से झेला है रोकथाम में, और ये रोकथाम के लिए सबसे बेहतर उपाय है।